हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलटी टेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट या कुर्ते में फ्लैप पॉकेट किस तरीके से बनाते हैं, यानी ढक्कन वाली पॉकेट किस तरीके से बनाते हैं, तो इस वीडियो में हम आपको वो बताएंगे। तो दोस्तों, पॉकेट हम कहाँ पर लगाते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे आप शर्ट या कुर्ते की कटिंग करते हैं, जो आर्मोल का मार्क लगाते हैं, तो उस वाले मार्क से हम इसको तोड़ लेंगे। इस तरीके से हमने तोड़ लिया है इसको, और इसमें हम मार्किंग कर लेंगे जिससे हमें मालूम रहे कि हमें पॉकेट यहाँ से अटैच करनी है। अब दोस्तों, हम पॉकेट के लिए एक कपड़े को ले लेंगे और इस तरीके से पैटर्न ले लेंगे। पैटर्न की मदद से हमें पॉकेट को तोड़ना है, और दोस्तों इसमें हमें फ्लैप लगाना है, यानी ढक्कन लगाना है। तो ढक्कन के लिए हम एक बकरम का टुकड़ा लेंगे और इस तरीके से हम पॉकेट को रखेंगे, और इसी के साइज़ का हम टुकड़ा कट कर लेंगे। अब इसमें हमें जैसे शेप देनी है, या जैसे शेप हमें क्रॉस में रखना है तो हम क्रॉस में भी रख सकते हैं, और गोल में रखना है तो हम गोल में भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद दोस्तों, हमने टुकड़ा लिया है, इस पर हम इसको चिपकाएंगे यानी पेस्टिंग करेंगे। अब दोस्तों, इसको पॉकेट को भी हम तोड़ लेते हैं। तो दोस्तों, हमने पॉकेट को तोड़ लिया है और जो ढक्कन है हमारा उसको भी हमने पेस्टिंग कर लिया है। जो पॉकेट का मार्जिन है अंदर की तरफ से हम कट कर लेंगे। अब दोस्तों, हम इसमें अटैच करेंगे। तो अटैच किस तरीके से करते हैं, यदि आप शर्ट में या कुर्ते में अटैच कर रहे हैं और जैसे साइज़ आपका ठीक ठाक है तो आप 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, और जैसे आपका साइज़ थोड़ा सा छोटा है तो आप 2.25 इंच पर पॉकेट को लगाएंगे। तो इसमें जो है हम 2.5 इंच पर अटैच करेंगे। अब दोस्तों, आपको पॉकेट कहाँ पर रखना है, क्योंकि हमें इसमें फ्लैप भी लगाना है, तो जो हमने आर्मोल का मार्क लगाया हुआ था उस मार्क से हमें 3 सूत इसको नीचे रखना है पॉकेट को, और इसको हम पक्का कर देंगे क्योंकि हमें इसमें ऊपर की तरफ ढक्कन भी लगाना है। तो इसको पॉकेट को हम सेंटर से नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे कर लगाएंगे और लपकी सिलाई से इसको पूरा पक्का कर लेते हैं। यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल एलटी टेलर्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर दें, जिससे आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहेगा। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, और आपको किस तरीके की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर करें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस पॉकेट को पूरा अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद दोस्तों, अब हम इसमें जो है फ्लैप लगाएंगे। तो सबसे पहले हम फ्लैप को बनाएंगे। एक टुकड़े को हम और लेंगे, लेने के बाद हम इस तरीके से रखेंगे, इसको हम कच्चा कर लेते हैं एक बार। कच्चा करने के बाद एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कट कर लेंगे, और अच्छी तरीके से हम इसको पलट लेंगे। इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी बकरम है, तो बकरम से आपको एक पैर का मार्जिन लेकर फ्लैप को कट करना है, क्योंकि फ्लैप आपका लौटा जाएगा। तो
बकरम पर आपकी जो है सिलाई नहीं लगती है। अब दोस्तों इस तरीके से हम मिलाकर रखेंगे। मिलाकर रखने के बाद दोस्तों जो हमने एक पैर का मार्जिन कट किया हुआ था बकरम से हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था, उस मार्जिन पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। अब हम इसको पलटकर इसके ऊपर लपकी या हाफ पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी फ्लैप पॉकेट बनकर तैयार हो गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो के साथ किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।